बजट नू लैके पंजाब सरकार ते राजपाल विचकार जिहड़ी तलखी वधी होई है इसे नू लैके जदों राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बजट सैशन तो इनकार दी मंजूरी तो इनकार करन तो बाद जिहड़ी पंजाब सरकार आ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्थे उन्होंने याचिका जिहड़ी है दायर की अपील की सुप्रीम कोर्ट नू कि इस ते कोई सुनवाई की जाए उस याचिका नू उस अपील नू सुप्रीम कोर्ट ने अक्सैप्ट कर लिया है ते अज इस दी सुनवाई होएगी 3:50 ते इस दी सुनवाई रखी गई है। इस बारे होर जानकारी देने दे लई साडे पत्रकार अजय झा साडे नाल मौजूद ने। सो अजय इस मामले दे विच जिहड़ी है हुण सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दित्ती है इस दी अपील सुनन दे वास्ते। देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा डेवलपमेंट है। पंजाब की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि आर्टिकल 174 यानी जो आर्टिकल 174 है संविधान का वो ये कहता है कि कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए राज्यपाल बाद में है, यानी अगर कोई फैसला कैबिनेट लेती है तो उसे राज्यपाल को लागू करना पड़ेगा। और पंजाब कैबिनेट की तरफ से 3 मार्च से पंजाब के बजट सत्र को बुलाने के लिए पंजाब के राज्यपाल को सिफारिश की गई थी, जिसे उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो इस बारे में और कानूनी राय देंगे। आज वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंह भी वो पंजाब सरकार की तरफ से अपीयर हुए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के सामने और उन्होंने इस मसले को उठाया है और उन्होंने जो दलील दी है वो ये कहते हुए दलील दी है कि कैबिनेट के फैसले को राज्यपाल को मानना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को ये जवाब दिया कि आपने बहुत ही कड़े शब्दों में ये पत्र लिखा है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर्स में लिखा है। उसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई वो आज 3:30 करेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक बेंच के जरिए इसकी सुनवाई होगी, जिसमें पंजाब की तरफ से जो वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंह भी, वो कांग्रेस के नेता भी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, वो इस मामले की पैरवी करेंगे। दूसरी तरफ से राज्यपाल की तरफ से भी दलील दी जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज के दोनों बड़े मामले, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट गए उसमें भी अभिषेक मनु सिंह ही वकील है, और दूसरी तरफ जो पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच का जो मसला है उसकी भी पैरवी अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे हैं। तो 3:30 का इंतजार करना होगा, 3:30 राज्यपाल और पंजाब सरकार के जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उस पर संवैधानिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। सो होर भी जानकारी लैण दे लई असीं तुहाडे नाल जरूर जुड़ांगे। सो ये जिहड़ा पूरा मसला है ये दरअसल शुरुआत इसकी होई सीगी कि राजपाल ने जिहड़ा आ टीचर्स नू जिहड़ा सिंगापुर भेजा गया सीगा, प्रिंसीपल्स नू सिंगापुर भेजा गया सी, उत्ते चिट्ठी लिखी सी पंजाब सरकार नू जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि किस बिहाव ते इन्हां नू जिहड़ा आ भेजा जा रहा, इन्हां दी की क्वालिफिकेशन है जां किस तरह इन्हां नू भेजा जा रहा, उस दे विच उन्हां नू घोटाला होण दा खदशा है, जिसका जवाब CM भगवंत मान ने कहा कि वो जिहड़ा आ इसका जवाब पंजाब दे लोकां नू देना जरूरी समझते हैं, ना कि केंद्र सरकार दे वल्लों चुने गए किसी राजपाल नू, जिसकी कि जिहड़ा राजपाल ने आ निखेधी की उन्होंने जदों हुण कहा कि तुसी मैनू बड़े ही तिखे शब्दों के नाल जवाब दिता सीगा, इसे नू लैके बाद चो अड़िका बन गया। पंजाब सरकार का जिहड़ा बजट सैशन है वह बुलाया जाना सी जिहड़ा 3 मार्च नू होण वाला है, उसनू लैके हुण राज्यपाल ने इनकार कर दिता, असिधे तौर पर इनकार कर दिता, जिस तो बाद पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के विच अपील लगाउण लई पहुंची जिथे उन्होंने कहा कि इस दे उपर साडी सुनवाई होनी चाहीदी है, ते अज जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इस दी मंजूरी दे दित्ती है कि राजपाल दा ते नाल दी नाल जिहड़ी पंजाब सरकार आ दोनों दा पक्ष सुनिया जाएगा, ते आखिर इस दे उत्ते की फैसला आउंदा है ये तां हुण आउण वाला समा ही दसेगा।